हाय स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस रिएक्शन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 लाख रिएक्शन सिखाएंगे। अरे यार सिखाएंगे, हमने कहा था सिखाएंगे। अरे यार सीखोगे यार कैसे? आज आपके लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो रिएक्शन सॉल्व होती हैं उसे हम लोग ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजर क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजर कौन से होते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, दूसरे की बढ़ाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजर कहेंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूसर किसे कहेंगे? रिड्यूसर उसको कहते हैं जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेते हैं और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर घटा देते हो, उसको हम लोग रिड्यूसर बोलेंगे। तो ये सारे H2SO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है। बहुत सारी रिएक्शन है, अनलिमिटेड रिएक्शन जैसे कि बोल सकते हैं। हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। कौन सा सिंपल सा तरीका? तो सिंपल सा तरीका अभी आपको बताएंगे। हैलोजन ऑक्सीडाइजर की तरह बिहेव करता है। हैलोजन की सबसे ज्यादा रिएक्शन होती है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी इंपॉसिबल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक वर्ड में? फिजिबल रिएक्शन बोला जाता है। संभव और असंभव, इस तरह से देख सकते हैं। और कौन सा? HNO3 ऑक्सीडाइजर की तरह बिहेव करता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी बारात जैसी लिखी हुई है, इन सबको हम बड़े आसानी से आपको समझा सकते हैं। बस आप आखिरी तक पूरा वीडियो अच्छे से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजर कैसे? अगर कहीं पर CO लिखा हुआ है तो CO का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाता है? CO2। देखो ऑक्सीडेशन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो। तो यहां देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहां गया? +4। SO2 देखो +4 से कहां चला गया? +6 में चला गया। I2 ये क्या है? फ्री मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ करती है। यहां देखो कितना हो गया, दिख रहा? अरे यार ये देखो 5 है। हाँ तो बस 5 ही बोल रहे थे। तो कितना? ये एक्वस मीडियम में होता है। किसमें? एक्वस मीडियम में। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ कितना हो गया? +4। CaS मेटल सल्फाइड, कभी भी आपको मेटल सल्फाइड दिख जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? CaSO4 मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता, कोई भी सल्फाइड हो। ठीक, H2S कभी भी मिल जाए, H2S कभी भी मिलेगा वो हमेशा उसका S में कन्वर्जन हो जाता है। किसमें हो जाएगा? S में। Fe++ किसमें कन्वर्ट होता है? Fe++ में। ऑक्सैलिक एसिड कभी भी लिखा हो मिले हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। Cl- हमेशा CO2 में, समझ रहे हैं? Cl- कभी भी लिखा है तो हमेशा Cl2 में कन्वर्ट होगा। Br- है तो वो Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें आप इनको रिएक्शन को याद कर लो, कैसे भी आप, आपका अपना ये प्रॉब्लम्स है कि कैसे आपको याद करना है। हम तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता दी है आपको। अब देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके, सबसे पहले H2SO4 एज ए ऑक्सीडाइजर बिहेवियर करता है। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो H2SO4 ऑक्सीडाइजर की तरह बिहेवियर करेगा, कैसे करेगा? ये जो H2SO4 है वो किस मीडियम में होता है? ये होता है कंसंट्रेट, डायलूट H2SO4 नहीं लिया जाता है। ठीक है, डायलूट नहीं लेंगे। तो H2SO4 जो ऑक्सीडाइजर है, यहां से H2SO4 हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडाइजर मतलब हम क्या बताए थे? जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करे और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे। तो अगर हम लोग देखें, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां देखिए किसमें चला गया? +4। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजर, इसका ये वाला जो ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इससे जो भी टकराएगा उसका चमत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमत्कार, उसकी किस्मत खुल जाएगी। कैसे खुलेगी बताएं? देखो अगर हमने यहाँ पे C लिया और यहाँ लिख दिया H2SO4, तो काय में कन्वर्जन हुआ? H2O SO2। और C किस में कन्वर्ट कर देते हैं? देखिए, अच्छा C किस में कन्वर्ट? अरे यार CO2 किस में कन्वर्ट कर दिया? CO2 में। अगर हम लोग H2S लिए, लेकिन क्या लिखेंगे? कंसंट्रेट जरूर लिखेंगे अगर हम बोल जाए, लेकिन आप लोग याद रखेंगे भाई कंसंट्रेट लिखना। H2SO4 किस में कन्वर्ट होगा? H2O SO2+। H2S का कन्वर्जन किस में होता है हमेशा? अरे बार बार बता रहे, देखिएगा भाई H2S कहाँ गया? खो गया? अरे ये मिल गया भाई, मिल गया। तो किस में? S में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और क्या? अगर हम लोग ऑक्सैलिक एसिड फार्मूला क्या होता है? C=H2O2, ये लिखा हुआ ऑक्सैलिक एसिड, इसमें क्या कर दो? H2SO4 लिख दो। कंसंट्रेट लिखते जाइए, H2O SO2 किस में कन्वर्ट? SO2 में, समझ आ रहा? अगर कोई मेरे पास जैसे लिखा हुआ है Fe++ है और H2SO4 उसके अंदर डाल दिया, तो H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजर। मतलब इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। देखो सब बढ़ रहा है ये, यार देखो पूरी बारात कैसी है, ये तो फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? दूल्हा दुल्हन चेंज हो रहा है। कौन? दूल्हा और दुल्हन, याद रखोगे? अरे देखते जाओ यार,
दूल्हा दुल्हन देखो चेंज कर रहे हैं, ये बात पूरी बारात कैसी है, फिक्स है, इसमें देखो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, ये तो मंडप है जैसा है वैसे ही लगा रहे हैं, बस दूल्हे ही दुल्हन चेंज हो रहे हैं। तो एफ ई डबल प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ, एफ ई ट्रिपल प्लस एच टू ओ प्लस एसओ टू। नेक्स्ट देख लो, अगर आप चाहो सी एस ले लो, क्या कर दो सी एस एच टू एस ओ फोर, तो काय में कन्वर्ट, काय में कन्वर्ट करोगे, तो ये बनेगा एच टू ओ एसओ टू प्लस सी ए एस ओ फोर। अभी देखो जस्ट बताए थे कोई भी मेटल सल्फाइड हो किसमें कन्वर्ट होता है, मेटल सल्फेट में। अगर आप पी वी एस ले लो एच टू एस ओ फोर किसमें कन्वर्ट हुआ, एच टू ओ एस ओ टू प्लस पी वी एस ओ फोर। समझ आ रही चीज़ें। और देखिएगा अगर कहीं पे आप सी ओ लिए हो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या डाल दो एच टू एस ओ फोर, क्या बनेगा एच टू ओ एस ओ टू प्लस सी ओ टू, सारे आंसर आके आएंगे। कुछ भी लिखाओ लेकिन आप क्या करो उसका प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, H2S से बनता क्या है, वो सारी चीज़ें हमें आपको यहाँ लिख रखी हैं, टेबल से बनाइए, इसको आप कॉपी पे ड्रा कर लो और आसानी से याद कर लीजिएगा। और ये चीज़ें फिक्स हैं, बस बार बार फिर से हम कहेंगे अरे चेंज कर लेना। अब देखो हेलोजन एज ए ऑक्सीडाइजर, जो हेलोजन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजर की तरह बिहेवियर करते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे हेलोजन्स कैसे होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन्स होते हैं, सेवन्थ ए ग्रुप। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, कौन सा होता है, यफ, नाइन यफ, इसका एटॉमिक नंबर कितना, नाइन है। तो नाइन यफ दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो क्या है, अपने आप में पूरी पीरियोडिक टेबल का बादशाह है, लेकिन किसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इसका मतलब ये कभी भी पॉजिटिव जाना नहीं चाहेगा, जब ये पॉजिटिव में नहीं जाना चाहेगा इसका मतलब अपना निगेटिव में ही रहेगा, तो दूसरे का तो नंबर बढ़वाएगा, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर, फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का नंबर बढ़वा सकता है, क्लोरीन का नंबर, अगर क्लोरीन जीरो पे है तो इसका क्लोरीन का क्या कर देगा, प्लस वन कर सकता है, प्लस टू कर सकता है, कुछ भी कर दे, लेकिन फ्लोरीन कभी भी प्लस में नहीं आएगा। अरे यार वो अपनी इज्जत थोड़ी ना यार मिट्टी में मिलाएगा, वो तो सबसे पहले भाई फेमस है निगेटिविटी के लिए, और तुम उसे प्लस दे दोगे उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, समझ गए जानशीन, ऐसा मत करना। तो क्या करोगे, फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर क्या करो, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हो जाए, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात हो जाए तो निगेटिव कौन रखेगा, क्लोरीन रखेगा, ब्रोमीन को अधिकार नहीं है कि वो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़वा दे, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन क्या रखना पसंद करेगा, निगेटिव, और ब्रोमीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ब्रोमीन क्या करेगा, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह से ब्रोमीन और आयोडीन का भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, लिखाओ विच इज फीजिबल रिएक्शन, फीजिबल मतलब होता है संभव और असंभव, इसमें से ये सीबीएसई में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है, आना ही है। तो कैसे करेंगे, सीएल निगेटिव बी आर टू, बी आर निगेटिव सीएल टू, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मेरे पास, देखो माइनस वन, ये फ्री एटम है जीरो है, यहां ब्रोमीन किसमें चला गया, माइनस वन, क्लोरीन का जीरो, ठीक है, चलो अच्छा चेक कर लेते हैं फीजिबल है या नॉन फीजिबल है। यहां देखो सीएल का निगेटिव है, सीएलओ बी आर है, और सीएलओ बी आर में ज्यादा कौन अच्छा ऑक्सीडाइजर है, क्लोरीन, तो क्लोरीन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर तो निगेटिव है, और किसमें चला गया, जीरो, मतलब क्लोरीन ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया, क्लोरीन ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया और ब्रोमीन का कम कर दिया, इसका मतलब क्लोरीन यहाँ काहे का काम करने लगा, रिड्यूसर का, जबकि क्लोरीन का काम क्या है, कौन सी नौकरी दी गई, ऑक्सीडाइजर की नौकरी दी गई, और वो काहे में पर चेंज हो गया, रिड्यूसर में, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन हमेशा ब्रोमीन का नंबर बढ़ाने का उसके पास अधिकार है, घटाने का अधिकार नहीं है, ब्रोमीन कभी भी क्लोरीन को नीचे नहीं लेके आ सकता, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये नॉन फीजिबल रिएक्शन है। चलो ये वाला देख लेते हैं, ये माइनस वन जीरो माइनस वन, ये हो गया मेरे पास जीरो, माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो, क्योंकि इसके ऊपर देखो एक नेगेटिव है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, यहाँ पर देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं इसलिए जीरो जीरो रख दिया। तो अब देखो क्लोरीन किसमें गया, माइनस वन, इसका मतलब इसने क्या कर लिया, अपना नंबर कम किया, और यही ये चाहता था भाई, इसका बचपन से क्या ख्वाब था, बचपन से सपना था यार, जब बचपन से सपना था कि हम नेगेटिव हो जाएं, जब हो गया तो अब थोड़ी पॉजिटिव होगा, तो जीरो से कहाँ गया, माइनस वन, जब माइनस वन में माइनस वन ने क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़वा दिया, और यही अधिकार था, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन है पॉसिबल, ठीक है, याद रखेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल है।
अगला देख लेते हैं, KClO3 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखिएगा +5, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिएगा आप। KClO3 क्लोरीन का कितना होगा +5, 0, यहां ब्रोमीन का +5, क्लोरीन का 0। अगर हम लोग देखें क्लोरीन ने क्या किया, यहां पर अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया, और ब्रोमीन ने क्या किया, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया। तो चेक कर लो, क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर कौन सा है, क्लोरीन होता है। जब क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजर है तो क्लोरीन हमेशा जाना चाहेगा अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो घटा लिया, घटाए कुछ ना कुछ, जब घट गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजर, और किसका बढ़वाया, ब्रोमीन। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, फिजिबल हो जाएगी, मतलब संभव रिएक्शन है, पॉसिबल है। बी वाला देख लेते हैं, +5 है, 0, +5, 0। अब देखो ब्रोमीन +5 से कहाँ चला गया, 0, मतलब अपना नंबर कम कर लिया। इसका मतलब इसने किसी का तो बढ़ाया होगा, और किसका बढ़ाया, ये भूल गया, किससे टकरा गया, राजा से। देखो क्लोरीन 0 से कहाँ गया, +5, इसका बढ़वा दिया, जबकि इसके पास तो अधिकार ही नहीं है यार तुम किसी का बढ़वा सको नंबर, ठीक। तो मतलब क्या है, क्लोरीन हमेशा क्या करेगा, अपना नंबर कम करेगा और ब्रोमीन का बढ़वाता है, तो ये रिएक्शन नॉन फिजिबल हो गई। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सीएल निगेटिव, तो सीएल निगेटिव कितना है, -1, 0 है, -1, 0 है, ठीक, दिख रहा है आपको। तो ये आयोडीन कहाँ गया, अब ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन है, मतलब क्लोरीन और आयोडीन, तो क्लोरीन और आयोडीन में अच्छा ऑक्सीडाइजर कौन है, क्लोरीन। इसका मतलब क्लोरीन हमेशा अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। अगर ऐसा हो रहा तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, संभव, नहीं तो ये असंभव, फिजिबल और नॉन फिजिबल। तो -1 से कहाँ गया, 0, इसका मतलब आयोडीन का तो नंबर बढ़ा, तो क्लोरीन का भी तो चेक कर लो, क्लोरीन 0 से -1, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, ठीक है। यहाँ देखो क्लोरीन -1, 0, ये क्यों गया -1, 0, मतलब क्लोरीन ने क्या किया, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया है, जो कि नहीं बढ़ा सकता क्योंकि क्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजर, ये रिएक्शन नॉन फिजिबल हो गई। एक और आपको लास्ट आर्टिकल बता देते हैं, HNO3 एज ए ऑक्सीडाइजर की तरह बिहेवियर करता है। ये आपकी पूरी बारात, फिर से पूरी बारात लिखी हुई है, चेंज क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन, फिर से पूरी लाइन। अगर मेरे पास सी है और हम लिख दें यहां पर HNO3, तो आंसर क्या आने वाला है मालूम है, NO2 H2O और साथ में क्या आएगा, CO2। दीक्षा समझ में आ रहा, ठीक, समझिएगा। अगर हम लोग ले लें CO HNO3, तो क्या बनेगा, देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है, NO2 H2O CO2, ठीक है। अगला देख लो, अगर हम लोग ले लें, ये बहुत स्पेशल है, H2S तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना इसमें बिल्कुल भी, HNO3, लेकिन लेंगे कौन सा, हॉट प्लस कंसनट्रेट वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट भी दिया करता है, तो H2S फिर से हम लोग क्या कर दो, यहाँ पे फिर से क्या कर दो, NO2 बनाइएगा, H2O बनाइएगा, और साथ में क्या बनेगा, S बनाएगा। अगला देखिए, अगर हम लोग ले लें Fe डबल प्लस और प्लस क्या कर दो, HNO3, क्या बना देगा, यहाँ पर वही पूरी बारात लिख दो, दूल्हा दुल्हन चेंज कर दो बस, NO2 H2O और साथ में Fe डबल प्लस से क्या बनता है, हमेशा Fe ट्रिपल प्लस, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ लिख दें ऑक्सैलिक एसिड और क्या लिख दो, HNO3, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NO2 H2O और साथ में CO2, समझ आ रही रिएक्शन। अगर यहीं पर अगर Cl निगेटिव होता और यही सब कुछ लिख दो HNO3, तो यहाँ बनेगा क्या, NO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में हमें मिलेगा Cl2। तो बस आपको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान तरीका है, आप वीडियो को बार बार पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा, ये आपके 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक।